जैसे ये कैम ऊपर आया भाई ये वीडियो में दिख रहा है ऊपर ही है सर ये देखो नीचे आ रहा है ध्यान से लोग सब कुछ यानी उस साइड वाल और वो सब देखा था अब यहाँ पे देखेंगे कैम और वो सब आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे गियर्स है ना अब इस पे क्रैंक गियर कौन सा मुझे पहचानना है तो ये जो होता है ना ये क्रैंक वाला है ठीक है इसको क्या बोलते हैं क्रैंक पुली बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रैंक पुली ठीक है दिस वन इज अ कूलिंग फैन पुली कौन सी पुली है कूलिंग फैन वाली पुली है ये जो है ये अल्टरनेटर पुली है पुली दैट मींस ये जो रोटेटिंग वाला है ना और ये कौन सा है बेल ड्राइव है ये कौन सी ड्राइव है बेल ड्राइव यहाँ तक समझ में आया ओके नाउ ये जो गियर है यहाँ पे दिख रहा है ये है ना ये किसके लिए है फ्यूल पंप को चलाने के लिए है ये कौन सा है ये किसके लिए कैमशाफ्ट को चलाने के लिए है ना वहाँ कैमशाफ्ट चल रहे हैं पता चल रहा है ना क्लियर यहाँ तक देख लेना उस साइड से कैमशाफ्ट ऑपरेट हो रही होगी इससे फ्यूल पंप ऑपरेट हो रहा है परफेक्ट देख लो एक बार सब लोग पता चल रहा है ना यस सर हेलो वो कुछ नहीं है वो सिर्फ सपोर्टिंग है वो सपोर्ट कर रहा है किसको सपोर्ट कर रहा है इसको ऑपरेट करने के लिए इसको ऑपरेट करने के लिए ये जिसको अंदर कुछ नहीं है क्या नहीं अभी अपने ने न्यूट्रल किया ना पहले मैं इसीलिए कब का बोल रहा था ना कि इसको न्यूट्रल कैसे करना है पहले अगर डायरेक्टली पावर ट्रांसमिट करता प्रॉब्लम हो जाता तो पानी इंजिन ऑपरेट हो गया यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो ना क्लियर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो